पर जड़े खेती मंत्री ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी है जी, वो सही माहौल का संकेत नहीं दिंदी। जिस जो कह रहे प्रधानमंत्री ने कानून किसानों के हाथ से पास किए ने भले लिखे। लेकिन भदेर साहब देखो 7 घंटे मीटिंग चली है, तो 7 घंटे दे विच गल्लां तां बहुत होईयां होणियां। जिहड़े बंदे इस गल ते ही अड़ गए साडी पसिंजर चलाओ तां असीं माल गड्डी तां उह कह सकदे वी गड्डी नहीं चलाउंदी बिल कानून मान लो जी, जां सरकारां नूं कानून लियाउण तों वी पहलों पता हुंदा कि एक्शन की है। बिल्कुल, उह सारा कुछ करके ही चलते होंगे, पर चलो किसान आगुआ ने आपकी गल करनी होगी जाके रखी होगी। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो जुड़े ने जी सरवण सिंह भंधेर। भंधेर साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। भंधेर साहब मीटिंग हुई है, हालांकि वक्री गल है कि तुम पहले ही इनकार करता सी, तुसी जो माहौल तो थोड़ा किंटू किया कि इस माहौल दे विच तुसी गलबात नहीं कर सकते, लेकिन अज जो मीटिंग हुई है तुहानू किवें लग्या कि माहौल किस तरह का सी? तो मुख्यमंत्री साहब तो कहते हैं कि बड़ा सुखाला माहौल सीगा जी, बड़ी वधिया तरीके नाल मीटिंग हुई है। हाँ देखो, अंदर का माहौल से बाहर का माहौल, असि बाहर वाले माहौल कहा जी, बाहर माहौल जिवें माल गड्डियां ना चला के जानबाजी हो रही है, वो सार्थक नहीं हैगी। अंदर जिवें किसान आगू आए आपकी गलबात सुनी भी गई है, सुनाई भी गई है, ठीक माहौल च हुई है, पर जड़े खेती मंत्री ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी है जी, वो सही माहौल का संकेत नहीं दिंदी। जिस जो कह रहे प्रधानमंत्री ने कानून किसानों के हक च पास किए ने भले लिए किए ने, बिल्कुल माहौल गल कर रहे सार्थक माहौल चाहिए, बाहर आके किसान लीडर तो कुछ बोलन, एक केंद्र का वजीर आके बोले, सार्थकता तोड़न वाली गल आ, सगो मतलब डिस्करज करने वाली गल आ थले लोगों नूं कि असीं नहीं कोई मतलब अपने पैंतड़े तो पिछे हट रहे। बिल्कुल, डिमोरलाइज करने वाली गल आ, सही पैंतड़ा नहीं गल हैगी उन्हां दी जी, नहीं तां डिप्लोमैटिक गल्लां वी हो सकदियां हुंदियां बाहर आके सरकारां कर लैंदियां हुंदियां, ठीक है, पर उन्होंने ये भी नहीं कहा जी, इस करके अभी कोई कड्ढण पाउण वाला नहीं हैगा। उह लंबियां मीटिंगां च जो मैनूं लगदा उह पक्का नहीं कह सकते, जेडे गए थे वो वध दस सकते हैं, कोई भालदे होणगे भी किसी नुक्कर तो किसी गल चो, ठीक है जी, ते ये मौका किसान आगुआं ने दिता नहीं, उन्हें भी कोई लगे जिते सी कि चला थोड़ा बहुत वा करके सार लो आही आ। लेकिन भंधेर साहब देखो 7 घंटे मीटिंग चली है, तो 7 घंटे दे विच गल्लां तां बहुत होईयां होणियां। बिल्कुल, ओहदा इक वड्डा हिस्सा माल गड्डी भी लै गई, बिल्कुल ना भी सेकेंडरी आ कानून पहलो आ जी, जेडे बंदे इस गल ते ही अड़ गए कि साडी पैसेंजर चलाओ तां असीं माल गड्डी, फिर तां उह कह सकदे वी गड्डी नहीं चलाउंदी बिल कानून मान लो जी, की करांगे। हां अच्छा, जथेबंदियां ने भंधेर साहब 18 तरीक दी मीटिंग रख ली है, मीटिंग दे विच तां शामिल होएगी तुहाडी जथेबंदी? हां नहीं, असीं तालमेलवां करदे हुंदे उहनां नाल, ठीक है, ओह वी एक्शन जेडे को ਸਾਂਝੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਥੱਲੇ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਪੁਣਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਖਾਲਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਤਾ ਵੀ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਾਹੁਣ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹੀ 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 ਗੱਲ ਆ ਭੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਮੁੱਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਗਈ?
ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਸਮਝ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਆਈਡੀ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੀ ਥੋਕ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ नहीं तुहाडे हिसाब दे नाल जे पनीर साहब पक्ष जानना चाहूँगा तुहाडा कि तुहाडे हिसाब दे नाल ठीक होया मीटिंग होनी चाहिए सी तुहाडे हिसाब दे नाल क्योंकि गलबात शुरू होने दे लई एक मीटिंग तो जरूरी सी। आप देखो मीटिंग पहलों भी सी असि असि देखो दो पक्ष आ जी जी जड़े आ मीटिंग तो बाद जड़ी असि गल आखी सी उही निकल के आई आ ठीक आ पर जे मीटिंग ते ना जांदे ते पक्ष क्लियर नहीं सी आउणे हुण ओह ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਤੋ ਮਤਲਬ ਸੰਕੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਜੀ ठीक है जी पनेर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। असी तो यही उम्मीद करते हैं कि जिन्हिया भी जथेबंदियां किसानां दियां तुहाडी भी जथेबंदी सारियां कट्ठियां होके ही चल रही ने ते अगे भी चलणगियां ते यही असी उम्मीद करते हैं। रमन कैंसर सोसाइटी हुण आ रहे ने तुहाडे अपने चैनल पंजाबी ते। ओ केड़ी बीमारी जिहदा इलाज नहीं 25 साल तो कैंसर के 90% मरीजां नूं कीता तंदुरुस्त। राजपाल वालों सम्मानित डॉक्टर हरपिंदर सिद्धू कोल है हर बीमारी दा हल। बीमारी तो बचण दा इक्को एक नाम रमन कैंसर सोसाइटी। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सब्सक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।